नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है गड्ढा खोदने में क्या सेफ्टी होनी चाहिए, यानी कि एक्सकवेशन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसमें देखेंगे कि डिफिनेशन, उसके बाद एक्सकवेशन ट्रेंच किसको बोलते हैं, हैजार्ड एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ये देखने वाले हैं, मेथड ऑफ एक्सकवेशन देखने वाले हैं जिसमें कि मैनुअल और मैकेनिकल हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सॉयल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सकवेशन ये देखने वाले हैं, साथ में देखने वाले हैं कंट्रोल मेजर, और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं एक्सकवेशन सोरिंग एंड शटरिंग देखने वाले हैं, स्लोपिंग इन एक्सकवेशन देखने वाले हैं, बेंचिंग इन एक्सकवेशन देखने वाले हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखने वाले हैं जो कि हम लोगों को जब गड्ढा खोदते हैं तब ध्यान देना चाहिए और उसके बाद जो ध्यान देना चाहिए। तो ये हम लोग इसमें सारा चीज़ लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो 3764/1992 जो है इसमें कोड ऑफ सेफ्टी है इसके ऊपर, और उसमें आप चाहें तो डिटेल्स जाके देख सकते हैं। मैंने उसी चीज़ को यहाँ पे भी रेफ़र किया है कई जगहों पे। वहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एक्सकवेशन। तो एक्सकवेशन होता है कि कोई भी मैन मेड कट, मतलब आदमी के द्वारा कोई भी अगर कोई अर्थ पे कोई ज़मीन पे अगर कट किया जाता है, जैसे ये गड्ढा खोदा जाता है आदमी के द्वारा, अगर वो नेचुरली है तो हम उसको एक्सकवेशन नहीं बोलेंगे, बाय रिमूविंग सॉयल। कैसे? तो यहाँ पे मिट्टी यहाँ जब हटा देंगे तो यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सकवेशन यानी कि गड्ढा, यानी कि इसको हम खुदाई बोलेंगे हिंदी में। तो आइए जानते हैं ट्रेंच किसे बोलते हैं। ट्रेंच में क्या होता है, अगर कोई ऐसा गड्ढा जिसका डेप्थ ज़्यादा हो और उसका विड्थ जो है वो कम हो, जबकि वो 4.5 मीटर से कम ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और डेप्थ मोर देन 1.5 मीटर, तो ऐसा सिचुएशन है तो इसको हम लोग ट्रेंच बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा है और इसकी चौड़ाई कम है, अब इसको हम लोग ट्रेंच बोल सकते हैं। इस चीज़ को आप देख रहे हैं, इसको हम ट्रेंच बोल सकते हैं, लेकिन कहीं बहुत ओपन गड्ढा है तो उसको हम लोग ट्रेंच नहीं बोलेंगे, 4.5 मीटर से ज़्यादा ना हो तो। तो ये है। अब आइए जानते हैं क्या क्या खतरे होते हैं जब गड्ढा हम खोदते हैं, तो उसमें क्या क्या खतरे होते हैं। तो एक तो अगर आप गड्ढा खोद रहे हैं तो हो सकता है कि इधर मिट्टी जो है आपके ऊपर गिर जाए, यानी कि सॉयल कोलैप्स होने का चांस है। उसके बाद फॉलिंग ऑफ पीपल एंड व्हीकल इन एक्सकवेटेड पीट, यानी कि अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है तो ये इसके अंदर गिर सकता है, अगर कोई गाड़ी खड़ी है ये भी इसके अंदर में गिर सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद वाटर सीपेज, जो कि अगर वाटर सीपेज हो रहा है ये हमारे लिए खतरा है, क्योंकि ये क्या करेगा, यहाँ पे अंडर कटिंग स्टार्ट कर देगा और मिट्टी जो है कोलैप्स होने का हमारे ऊपर चांस रहेगा। उसके बाद जो है कोई भी मशीनरी चल रहा है, एक्सकवेशन जो मशीनरी वगैरह जो उसके अंदर चलते हैं उससे खतरे हैं, हो सकता है उससे हमें चोट लग जाए, उसके बकेट से चोट लग जाए, ये भी होता है, उसके धुएँ हैं आगे पीछे होगा, उसके स्विंग रेडियस से, तो उससे हमें नुकसान उसका अपना है। उसके बाद जो है अगर कोई गड्ढा खोद रहे हैं, अगर बगल में वहाँ पे मान लेते हैं कि बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग भी इसके अंदर गिर सकता है कभी भी, या कोई ये स्ट्रक्चर खड़ा है, कोई पीलर कोई कुछ भी ऐसा कॉलम खड़ा है तो वो भी उसके अंदर उसकी स्टेबिलिटी बिगड़ सकती है और वो गिर सकता है, वो भी ध्यान देना पड़ता है। अगर इस ये गड्ढा है और इसके अंदर मान लीजिए तार है, बहुत सारे पाइपलाइन है, तो अगर हम गड्ढा खोदेंगे तो ये डैमेज हो जाएगा, और अगर डैमेज हो गया तो इससे भी हमें खतरा है। आप देखे होंगे कि बिजली से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, वाटर लाइन अगर आपने तोड़ दिया तो अचानक से गड्ढे में पानी भर जाएगा, जो इसमें आदमी रहेगा वो डूब जाएगा, गैस लाइन से अचानक से गैस निकलेगा, अचानक से इसमें आग पकड़ लेगा, तो ये सब भी खतरे होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मेडिकल वेस्ट गड्ढे के अंदर दबाया गया रहता है, कई जगहों पे फिल किया रहता है, और जब आप गड्ढा खोदेंगे तो उसमें मेडिकल वेस्ट निकलेगा या हजारस मटेरियल निकल सकता है उसके अंदर से, जो कि डंपिंग किया गया रहता है बहुत पहले। उसके बाद जब गड्ढा हम खोदते हैं तो हवा से संपर्क टूटते जाता है, जैसे हम नीचे जाते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, हजारस सबस्टांस वहाँ पर हो जाए, टॉक्सिक फ्यूम निकले, फ्लेमेबल गैस निकले, और इससे क्या होगा कि वहाँ पर दम घुटेगा और हम हमारी जान भी जा सकती है। तो ये सब वहाँ पे फायर भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि फ्लेमेबल गैस हो सकता है कि उसके अंदर में हो, और आप जानते हैं जब हम गड्ढा खोदते हैं तो मिट्टी ऊपर नीचे होता है, मिट्टी गीला रहता है, तो इससे क्या होता है, इससे आदमी स्लिप हो सकता है, ठोकर लगा के गिर सकता है, वहाँ पे पैर स्लिप हो सकता है, तो ये सब भी वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम होता है। वहाँ पे अगर सही से लेडर नहीं लगाया जाए तो उसमें एक्सेस का प्रॉब्लम होता है, और एक्सेस का प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ पे चढ़ने उतरने में भी आदमी गिर जाता है।
तो आइए एक वीडियो समझते हैं कि गड्ढा जब हम खोदते हैं तो कैसे अंडरग्राउंड यूटिलिटी से हम प्रोटेक्शन लें जो भी नीचे में लाइन गई हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब ज़मीन के अंदर में बिजली का तार जब जाता है या वाटर की पाइपलाइन जब नीचे से जाती है या गैस पाइपलाइन जब नीचे से जाता है या हो सकता है सीवेज का वेस्ट पाइपलाइन या हो सकता है कि ऑप्टिकल केबल्स नीचे से जाता हो जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, जब हम गड्ढा खोदते हैं तो हो सकता है कि यह कट जाए और हमें बिजली का झटका लग जाए। तो जब हम ऐसे गड्ढे खोदते हैं तो सबसे पहले हमें सुपरवाइजर से बात करना है, परमिट लेना है। जब हम गड्ढा खोदने जाते हैं सबसे पहले वहाँ मार्क कर देते हैं यूटिलिटी डिटेक्टर से, इस तरह से हम ये करते हैं, और तब मैनुअल खोदते हैं वहाँ पे। पहले मैप देख के पता करते हैं कि ये बिजली का तार गया कहाँ से है, ताकि हम लोग आसानी से वहाँ पे मार्किंग कर दें और जहाँ भी इस तरह का बिजली का तार हो वहाँ पहले इस तरह का मार्क कर दें। और यूटिलिटी डिटेक्टर जैसा आप देख रहे हैं, ये जहाँ भी बिजली का तार रहेगा यूटिलिटी रहेगा वो बता देगा कि नीचे में कोई ऐसा चीज़ है, और वहाँ पे फिर मार्क करके मैनुअल डिगिंग करेंगे। मैनुअल नहीं करेंगे, अगर मशीन से कर देंगे तो तार कट जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। यहाँ पे तार मिल गया, अब यहाँ पे हम लोग पावर सप्लाई काट के और वहाँ पे हम करेंगे, ताकि जो है वहाँ पे पावर सप्लाई में लोटो भी लगा सकते हैं अगर ऐसा है तो। जब भी हम केबल को ऐसे जहाँ केबल होगा वहाँ पे अगर गड्ढा खोदते हैं तो वहाँ जो इंसुलेटेड टूल का यूज़ करना है। अगर केबल कहीं भी मिल जाए तो हमें सावधानी से और काम करना है, अपने सुपरवाइजर को बता देना है। ये भी है तो कुछ जो एक्सकवेशन जो है उसको हम कन्फाइंड स्पेस में लेते हैं। कन्फाइंड स्पेस कहने का मतलब ये है कि जिसमें लिमिटेड आने जाने का रास्ता हो, बहुत आसानी से आदमी ना आए जा सके, उसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं, उसका घेरा वैसा रहता है। तो जनरली 1.2 मीटर से ज़्यादा अगर कोई डेप्थ है तो उसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोल सकते हैं। और जैसे ही हम कन्फाइंड स्पेस डिक्लेयर करते हैं ना, तो हमें कन्फाइंड स्पेस के सारे प्रिकॉशन लेने चाहिए, जैसे कि हमें परमिट लेना है, उसका गैस टेस्टिंग करना है, तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। उसके बाद जो है गड्ढा दो तरीके से खोदा जा सकता है, एक तो मैनुअली खोदा जा सकता है और एक जो है मैकेनिकली एक्सकवेशन किया जा सकता है। तो मैनुअल और मैकेनिकल में क्या अंतर है आप तो जानते ही हैं। मैनुअल में जब हम गड्ढा खोदते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें यूटिलिटी लाइन टूटने का ज़्यादा चांस नहीं रहता। तो जहाँ भी अगर कुछ आपको डिटेक्ट हो गया कि वहाँ यूटिलिटी की लाइन है और वहाँ पे आपको गड्ढा खोदना है, तो वहाँ मैनुअल ही ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, क्योंकि मैनुअल नहीं करेंगे तो कभी भी पाइपलाइन टूट सकता है, कभी भी वायर कट सकता है। तो मैकेनिकल का भी अपना एडवांटेज है ना, और मैकेनाइज भी हम कर सकते हैं, कहाँ पर जहाँ पर कुछ भी ना हो अब करो जो भी करना है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग मैकेनाइज यूज़ करते हैं। तो जब भी हम मैनुअल करते हैं तो अगर कहीं बिजली का तार वगैरह नीचे में है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो हम लोग ऐसा टूल का यूज़ करते हैं जो कि इंसुलेटेड हो, लकड़ी का बना हुआ, प्लास्टिक का बना हुआ, जो उसके पकड़ने का है वो। उसके बाद जो है जब हम गड्ढा खोदने जाएंगे तो हमें एक कैसे गड्ढा खोदना है, ये किस तरीके से करना है, इसका एक मेथड, डिसाइडिंग मेथड ऑफ एक्सकवेशन जो है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ कंसिडर करेंगे। एक तो वहाँ पे देखेंगे टाइप ऑफ सॉइल, किस तरह का सॉइल है वहाँ पे, मिट्टी किस तरह की है, मिट्टी का क्लासिफिकेशन आगे हम लोग देखने वाले हैं। उसकी ग्राउंड स्टेबिलिटी क्या है, मतलब ग्राउंड कितना लोड ले सकता है वो मिट्टी, है ना, मिट्टी का भी स्ट्रेंथ होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, जब उसको दबाते हैं ना तो कितना लोड पर वो दबता है वो चीज़ चेक किया जाता है। चांस ऑफ सीपेज ऑफ वाटर, क्या वहाँ पर नीचे में वाटर है, अगर सीपेज होगा ना तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद जो है जो गड्ढा खोदेंगे वो वहाँ आसपास की बिल्डिंगें को इफेक्ट नहीं करना चाहिए, ये ध्यान देना है। जहाँ गड्ढा खोदने जा रहे हैं वहाँ पे कोई हाइड्रोकार्बन वगैरह तो नहीं है, क्या वहाँ पे कोई यूटिलिटी लाइन तो नहीं है, यूटिलिटी लाइन बोलने का मतलब वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस की लाइनें वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिकल टेलीफोन केबल वगैरह तो नहीं है, ये ऐसा कुछ भी है तो उसको हम थोड़ा सा कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो है
सॉइल जब हम क्लासिफिकेशन की बात होगी तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक विजुअली कर सकते हैं देख के अपने हाथों में लेके महसूस करके कर सकते हैं, और एक होता है मैनुअल टेस्ट, है ना। मैनुअल टेस्ट में हम लोग उसकी प्लास्टिसिटी टेस्ट, ड्राई स्ट्रेंथ, थंबल पेनेट्रेशन, मतलब उंगली घुसा के कितना टाइट है ये, ड्राइंग टेस्ट हम लोग करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ भी हम लोग कर सकते हैं, तो हमको यहाँ पे ज़्यादा नहीं देखना है। तो आइए देखते हैं एक किस तरह के सॉइल के टाइप कितने होते हैं। तो सॉइल के जो है चार टाइप होते हैं, एक स्टेबल रॉक होता है, उसके बाद टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। स्टेबल रॉक क्या होता है, जनरली पहाड़ को जब हम काटते हैं ना तो उसको स्टेबल रॉक बोलते हैं, है ना। उसके बाद टाइप ए में क्या होता है कि एक मिट्टी होता है लेकिन इसका पकड़ ज़्यादा होता है, ये बहुत इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी इसका ज़्यादा होता है, वो कितना होता है 1.5 टन से लेके से ज़्यादा, ठीक है ना, 1.5 टन से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे टाइप ए। और टाइप बी किसको बोलेंगे, जिसका 0.5 से 1.5 के बीच हो, और जिसका 0.5 से बिलो हो उसको हम टाइप सी बोलेंगे। जैसे बालू वाली जो मिट्टी होती है ना, बालू इस तरह तरीके का, वो टाइप में सी में आ जाता है। जैसे जैसे थोड़ा पकड़ मजबूत उसकी होती है ना, जिसमें कोहेसिव सॉइल, जिसको जिसकी पकड़ मजबूत हो थोड़ी सी, वो उसके अनुसार इसकी क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है। आइए एक वीडियो समझते हैं सॉइल के क्लासिफिकेशन के बारे में। ये ओसा के द्वारा बनाया गया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जब भी गड्ढा खोदने की जाते हैं तो बहुत तरह का मिट्टी हमें मिलता है, और हम किस तरह से गड्ढा खोदना है, उसका कितना स्लोपिंग देना है, ये मिट्टी के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि मिट्टी का जो कण है वो कितना एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा हुआ है, कोहेसिव फोर्स कितना है उसमें, उसके अनुसार उसका डिवाइड होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे कण अगर एक दूसरे को अच्छे से पकड़े हुए हैं, यानी कि इसमें जो पकड़ मजबूत है, और अगर पकड़ मजबूत नहीं है तो ये हमारे ऊपर गिर जाता है जब हम ऐसे गड्ढों में अंदर जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सैंड का जो ग्रेन है, जो उसके कण है, उसमें पकड़ नहीं बनता है ज़्यादा, और वो आसानी से गिर जाते हैं, जबकि अगर एक चिकनी मिट्टी है उसका पकड़ जो है ज़्यादा अच्छा होता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, आइए अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। देर आर फोर टाइप्स सॉइल। एक होता है स्टेबल रॉक, यानी कि जो पत्थर होता है स्टेबल होता है, एक टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, और ये स्टेबल रॉक है। स्टेबल रॉक जो है सबसे मजबूत होता है, लेकिन अगर ये भी डिस्टर्ब हो, जैसे कि ब्लास्टिंग किया गया हो, तो हमें इसको क्लास बी या क्लास सी में ही रखना चाहिए। ये क्लास ए है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें पकड़ ज़्यादा होगा, इसमें पकड़ ज़्यादा होने के चलते, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो पकड़ ज़्यादा होने से ये जल्दी गिरेगा नहीं, तो इसको हम लोग क्लास ए में ले सकते हैं। लेकिन अगर हमको पता ना हो कि ये क्लास ए में आ रहा है, तो हम सबको क्लास सी में ले सकते हैं, जैसा कि ये क्लास ए में। तो लेकिन क्लास ए भी अगर कहीं पानी लगा हो, कहीं डिस्टर्ब हो, कहीं वाइब्रेटिंग मशीन बगल में चल रहा हो, तो हम उसको क्लास सी में ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। और क्लास बी में आप जैसा कि देख पा रहे हैं इस तरह का मिट्टी होता है, और इसमें थोड़ा सा कम पकड़ बनता है, और इसी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मतलब कि जो इसके छोटे छोटे कण है ना, अच्छे से पैकिंग नहीं होते हैं, इस तरह का इसका होता है अगर आप हाथ में लेते हैं तो। इस तरह का मिट्टी अगर आप देखेंगे तो इस तरह का आपको देख पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे वाइब्रेशन हो और, तो हम लोग इसको ए में ना लेकर सी में लेते हैं। और सी में कैसा होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं बालू की तरह का मिट्टी हो, जिसमें पकड़ बिल्कुल नहीं होता है, और ये चिपकता नहीं एक दूसरे से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये क्लास सी में आता है, ये सब क्लास सी में आता है। आइए जानते हैं प्लास्टिसिटी टेस्ट के बारे में। इसको पेंसिल टेस्ट भी कहा जाता है, और इसको ये जानने के लिए कोशिश किया जाता है कि ये इसमें कितना कोहेसिव है, मतलब इसका पकड़ कितना मजबूत है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 इंच लंबा इस तरह से करते हैं, और करने के बाद और इसको हम लटकाते हैं, जैसे कि देख रहे हैं इस तरह से बना के हम इसको लटकाते हैं, और अगर ये टूट जाता है तो ये तो ए में नहीं आएगा, ये सी में आएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दूसरे मिट्टी को हम लोग ऐसा बनाए पेंसिल टाइप का और उठाए और ये गिर गया, तो ये क्लास सी में आएगा। और अगर बीच का है तो आप बी में भी ले सकते हैं। अब आइए जानते हैं थंब पेनेट्रेशन के बारे में। थंब पेनेट्रेशन जैसे समझ रहे हैं अंगूठा घुसाना है मिट्टी में,
और जैसा कि आप देख रहे हैं उसको हम गीला मिट्टी को उठाएंगे वहाँ से, और उठाने के बाद इसमें अपने अंगूठे को इसमें घुसाएंगे। अगर घुसाने के बाद अगर ये घुस जाता है इस तरीके से तो इसका मतलब ये है कि वो क्लास ए है, और अगर बी में घुसाते हैं तो ये पूरा ज़्यादा इस तरह से घुस जाएगा। आप देख रहे हैं कि पूरा पूरा मतलब थोड़ा ज़्यादा घुस गया, और अगर सी रहे तो आप देख रहे हैं कि पूरा आर पार हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि वो क्लास ए है या क्लास बी है या क्लास सी है। तो ये तीनों में से कोई भी रिजल्ट हो सकता है, और आप मिट्टी का क्लासिफिकेशन आप इस तरीके से जान सकते हैं। और अगर हम इसको पॉकेट पेनेट्रोमीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम कितना फोर्स दे रहे हैं तो पता नहीं चलेगा ना, तो एक तरह का डिवाइस आता है जो कि फोर्स को मेजर करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था टेबल में कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है हर मिट्टी का, इसमें टेस्ट होता है, और इस गीली मिट्टी में हम घुसा के देखते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है इस मिट्टी को छेदने में। और इस तरह से हम ये एक प्रेशर गेज है जिसको मिट्टी में जब घुसाते हैं इस तरीके से तो वहाँ पर प्रेशर शो करता है, और एक तरह से पेनिट्रेशन होता है पूरे मिट्टी का। तो यहाँ पे पहले टेस्ट कर लेना चाहिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं इसे दबा के, और अगर हम चेक कर लिए तो अब मिट्टी लाएंगे अपने पास और इसको मिट्टी में घुसाएंगे जब तक ये पूरा घुस नहीं जाता। जैसे कि आप देख रहे हैं इस मिट्टी में इसको घुसाया जा रहा है, और यहाँ पे रीडिंग मेजर किया जाएगा, और रीडिंग जो है वो जैसा कि मैं बताया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसी के अनुसार होगा। इधर हम लोग ऊपर में मेजर करेंगे इसका रीडिंग, जैसा कि आप देख रहे हैं अगर ये क्लास बी है, अगर कहीं वाइब्रेशन हो लूज मिट्टी इस तरीके का हो ना तो हम लोग उसको क्लास सी में ही रखे तो ज़्यादा है, अगर रीडिंग अच्छे से पता ना चले तो सी में ही लेना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टेस्ट हो रहा है, ये क्लास बी है, और ये आप तीनों को अगर हाथ में लेते हैं तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किस क्लास का मिट्टी है, ए है बी है सी है, और रॉक तो जानते ही हैं, रॉक मतलब पत्थर। जब हम गड्ढा खोदने जाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। एक क्या है कि उसका जब भी हम गड्ढा खोदने जा रहे हैं तो हमें जैसे हीरा बनाना है, जैसे हीरा मतलब कि हम एक जॉब सेफ्टी एनालिसिस, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट ये सब करना होता है। अगर कर लेते हैं तो हमारे काम में क्या खतरे हैं, क्या अभी कंट्रोल मेजर है और क्या कंट्रोल मेजर लेना है, ये सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। तो बहुत सारी कंपनियों में मैंडेटरी है कि अगर इस तरह की एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं तो आपको ये सब कंपलसरी करना है, अगर नहीं करेंगे तो आपको अलाउड नहीं है। उसके बाद जो है डेवलप सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, यानी कि वहाँ पे एसओपी डेवलप करें कि गड्ढा कैसे खोदना है, तो ये भी ज़्यादा अच्छा रहता है। कॉम्पिटेंट वर्कर को ही सिलेक्ट करना है, यानी कि जो लोग अच्छे लोग हैं, जो लोग गड्ढे खुदाई में काम किए हैं, जो इस तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उन्हीं को आप काम में लगाइए। उसके बाद टीबीटी कराना है जिसमें कि आपको गड्ढे खोदने संबंधी हजार्ड क्या है, रिस्क क्या है, क्या कंट्रोल मेजर लेने चाहिए, इमरजेंसी में क्या करना है, वो सारा चीज़ उनको डिस्कस करिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। और जब भी आप ये सब करने जाएंगे ना तो इसके जब गड्ढा खोदने जाएंगे तो आपको परमिट लेना होता है। परमिट किससे लेंगे, जो आपका ओनर होगा माने जिसके अंदर में आप काम कर रहे हैं, या हो सकता है आप वहाँ पे गवर्नमेंट हो तो गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, या हो सकता है कि आप वहाँ किसी क्लाइंट के अंदर में काम कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट से लेना पड़ेगा। तो जब ये परमिट देता है ना तो परमिट देने का मतलब ही होता है कि उसने आपको हर एक चीज़ बता देगा कि देखो वहाँ पे यूटिलिटी लाइन है, वहाँ पे बिजली का तार गया है, वहाँ पे गैस है, वहाँ पे हजार्डस मटेरियल है, वो सारा चीज़। यानी कि परमिट का मतलब ही होता है कि हम जब वो आपको एरिया देगा काम करने के लिए तो पूरा कंट्रोल मेजर वो ले लेगा, मतलब कि बता देगा आपको सारी चीज़ें कि ये काम करना है तो इस तरीके से करना है। लेकिन छोड़िए क्लाइंट की बातें, हमें खुद भी सतर्क रहना है कि हमें क्या खतरे हैं, क्योंकि हो सकता है वो मिस हो जाए तो हमसे भी दिक्कत हो सकती है, तो हमें ज़्यादा सावधान रहना। तो हमें यूटिलिटी लाइन को आइडेंटिफाई करना है, अगर उसने बता दिया कि वहाँ पे तार है तो सबसे पहले यूटिलिटी डिटेक्टर ले जाएंगे, वहाँ पे चेक करेंगे तार कहाँ है, और ये मान लेते हैं कि यहाँ पे तार है तो इसके ऊपर यूटिलिटी डिटेक्टर घुमाएंगे और जहाँ भी होगा वहाँ पे मार्क कर देंगे, ताकि वहाँ पे गड्ढा खोदना है बड़ी सावधानी से, यहाँ पे मैनुअल डिगिंग हो पाएगा केवल, है ना। उसके बाद बैरिगेट द एरिया, और एरिया को हमको घेर ही देना चाहिए क्योंकि वहाँ पे काम करेंगे तो कोई आसपास किसी को चोट लग सकता है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे हार्ड बैरिगेशन का यूज़ किया गया है, लेकिन हम लोग अनप्रोटेक्टेड एज से दूर ही करते हैं। गड्ढों में क्या होता है कि हमेशा कोलैप्स का चांस रहता है, इसलिए हम लोग हार्ड बैरिगेशन का मैंने क्या बताया था 1.8 मीटर के अंदर करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन जब ये
एक्सवेशन की बात आती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि वहाँ का जो सॉयल है हमेशा कोलैप्स का चांस रहता है, इसलिए जितना गड्ढा हो उसकी दूरी उतनी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन जनरली या मिनिमम 1.5 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ एक्सवेशन जो है होना चाहिए। और ये रेड वाइट टेप का भी यूज़ कर सकते हैं अगर दूर में 1.8 मीटर आगे से, और हम लोग टू लेयर का टेप भी यूज़ करके हम लोग वेरिगेशन कर सकते हैं। तो ये हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा ये आप साइड के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं। 1.8 मीटर है मिनिमम, जबकि सॉफ्ट अगर करना होगा तो और 1.8 से ज़्यादा ही करें दूर, तब जाके वो सही से काम करेगा। और आप जिस तरह का कंडीशन है उसके अनुसार मैनुअल और मैकेनिकल आप चुन सकते हैं। और उसके बाद प्रोटेक्टिव सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लें गड्ढा खोद रहे हैं, साइड का मिट्टी गिरने का चांस है तो प्रोटेक्टिव सिस्टम लगा लीजिए। वो क्या होगा मैं आगे बताने वाला हूँ। और वाटर लॉगिंग अगर कुछ है तो आपको रिमूव करना है, पानी इसमें बार बार जमा हो जा रहा है, नहीं करेंगे तो ये अंडर कटिंग होगा, और जब अंडर कटिंग होगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा। उसके बाद सेफ़ एक्सेस और इग्रेस होना चाहिए, यानी कि आने जाने का आपको सड़क बना लेना है भाई, किस कहीं भी काम करना है। अगर आप आने जाने का रास्ता नहीं बनाओगे तो कैसे जाओगे, रस्सी से लटक के थोड़ी नीचे उतरोगे, फिर कुछ दिक्कत हो गया तो निकलोगे कैसे। इसलिए एक आने जाने का रास्ता होना चाहिए, और आने जाने का रास्ता नहीं है मतलब कि आपको फिर बाद में दिक्कत हो। ये लेडर भी हो सकता है, और लेडर आप कई तरीके का बना सकते हैं, चाहे तो मिट्टी काट के भी आने जाने का बना सकते हैं, आप अपना कॉमन सेंस यूज़ करके। जहाँ भी काम करना है वहाँ साइन बोर्ड तो लगाना ही चाहिए, साइन बोर्ड लगाने से बाहरी लोगों को मालूम चलता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, बिजी रोड वगैरह में काम कर रहे हैं तो ये सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर कहीं ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं है तो थोड़ा इसके ऊपर कम भी ध्यान दे सकते हैं। तो कुल मिला जुला के या अपने कॉमन सेंस पे भी डिपेंड करता है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर कन्फाइंड स्पेस है, अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा डीप है और आना जाना मुश्किल है उधर, तो एयर टेस्टिंग भी करना चाहिए उसका। उसके बाद जो है अवॉइड लोन वर्किंग, गड्ढे में किसी को अकेले काम करने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अकेले काम करेगा कहीं कुछ हो गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद जो गाड़ी पार्क करना है, मतलब कि मान लीजिए गड्ढा है और गाड़ी अगर रखना है तो मिनिमम इससे 2 मीटर की दूरी जो है आपको मेंटेन करना चाहिए, ताकि वो गाड़ी ये जब मिट्टी गिरे तो उसके अंदर ना चला जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान देनी चाहिए। और उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम आर अवेलेबल। एक तो स्लोपिंग प्रोटेक्टिव सिस्टम कहने का मतलब मिट्टी को गिरने से रोकने के लिए हम लोग क्या उपाय करेंगे, तो कुछ प्रोटेक्शन मैकेनिकल चीज़ को यूज़ करेंगे, है ना, जिसको हम लोग इंजीनियरिंग कंट्रोल भी बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, स्लोपिंग और बेंचिंग करते हैं, इस तरह का स्लोप कर देंगे और ये बेंच कर देंगे इस तरह से, तो ये क्या होगा, मिट्टी नहीं गिरेगा, ये एक तरीका है। और दूसरा क्या है कि ट्रेंच बॉक्स बना के डाल सकते हैं, पाइलिंग सीट को पाइल कर सकते हैं, मतलब उसको अंदर धंसा सकते हैं इस तरीके से, और धंसा देंगे तो इसका मिट्टी निकाल लेंगे तब भी ये साइड का चीज़ नहीं गिरेगा। तो पाइलिंग वगैरह आप देखेंगे कहाँ होता है, जैसे कि आप अगर किसी बड़े बड़े बिल्डिंगों के बगल में ही एक नया बिल्डिंग बनाना है और तो पहले हम वहाँ पाइलिंग करेंगे, मतलब पाइलिंग करेंगे तब जाके वो बगल का बिल्डिंग बच पाएगा, नहीं तो उसका फाउंडेशन एक्सपोज हो जाएगा, हो सकता है बिल्डिंग गिर भी जाए। तो इस तरीके से हम लोग, इसमें और भी सिस्टम हो सकते हैं बट यही कॉमनली है और नए नए आ ही रहे हैं हर जगह। आप देखे रहेंगे यहाँ पे सोरिंग और शटरिंग इस तरीके से किया जाता है, ये सब तरीके हैं सोरिंग और शटरिंग है, जिसमें टिम्बर का लकड़ी का यूज़ करते हैं, हाइड्रोलिंग सोरी करते हैं, सीलिंग करते हैं, ट्रेंच बॉक्स बना के डाल देते हैं और उसके जैसे इस तरह का बॉक्स बना के डाल दिया, इसके अंदर घुस के हमने काम किया। क्योंकि अगर ये बॉक्स नहीं रहेगा, अगर आप अंदर घुस गए ना, तो ये मिट्टी कभी भी आपके ऊपर आ सकता है। तो ये कुछ अगर हम नहीं करें तो क्या है ना कि इसमें गड्ढे में फिर मिट्टी हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और एक बार आदमी मिट्टी में दब गया ना तो फिर वो मर जाता है, निकालना बहुत मुश्किल होता है उस वहाँ से। उसके बाद अगर बात करूँ स्लोपिंग की, तो स्लोपिंग आप जानते ही हैं कि स्लोपिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि साइड का मिट्टी गिरे नहीं, और साइड का मिट्टी गिरे नहीं इसके लिए उसका स्ट्रेंथ जो है वो क्लास जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो मिट्टी एक दूसरे को कितना पकड़ रहा, तो उसी के अनुसार हम लोगों ने जाना कि सॉयल के कितने टाइप होते हैं, माने मिट्टी के कितने टाइप होते हैं। तो उसमें हम लोग जाना कि एक तो रॉक होता है टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। तो अगर हमको मतलब स्लोप सॉलिड है, मतलब पहाड़ जिस अगर कटिंग कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे 90 डिग्री दे सकते हैं ये चीज़। अगर वो टाइप ए है तो टाइप ए है मतलब उसमें 53 डिग्री का स्लोप देना है, इतना स्लोप देना है उसमें, मतलब इससे, ठीक है। और अगर वो टाइप बी है तो हमको ये 45 डिग्री पे करना है, मान लेते हैं 45 डिग्री अगर यहाँ बनता है तो यहाँ पे करना है। अगर वो टाइप सी है तो उसको 34, अब ये कहाँ होगा, थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, मैं सही नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आपको ध्यान देना है वहाँ पे उस तरीके से आपको स्लोपिंग देना है। क्योंकि इस तरह का स्लोपिंग नहीं देंगे, जैसे आप देखिए यहाँ पे स्लोपिंग दिया गया है, अगर इसको ऐसा बोलूँ तो ये स्लोपिंग है, इतना स्लोपिंग दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम लोग इस तरह से खींचे तो ये इसका स्लोपिंग है। तो ये एंगल जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं और उसके अनुसार डिसाइड कर सकते हैं।
जो बेंचिंग होता है ये बेंचिंग इस तरीके से किया जाता है, 4 max इस तरह से 1:1 के रेशियो में आप देख। आइए एक एक केस स्टडी करके समझते हैं कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था एक ट्रेंच में काम करने के दौरान। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक ट्रेंच खोदा गया है जिसमें टोटल 5 वर्कर काम कर रहे हैं, और जब ये कोलैप्स होने से पहले 2 वर्कर बाहर निकल गए और 3 वर्कर मिट्टी कोलैप्स होने के चलते इसमें दब गए, और ये मिट्टी का इतना प्रेशर उनके शरीर पर आया कि उनका दम घुटने से उसमें उनकी जान चली गई। अब भाई जानते हैं इस एक्सीडेंट को हम लोग कैसे रोक सकते थे हैं जैसा कि, और उसके बाद आइए कुछ इम्पोर्टेंट रूल देख लेते हैं, कुछ नियम देख लेते हैं जो कि गड्ढे खोदने के टाइम में हमें ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप गड्ढा खोद रहे हैं तो उसका बेरिगेशन जरूर करें, क्योंकि रात में कोई आएगा पता नहीं चलेगा, रात का अगर बात है ना तो वहाँ पर कुछ लैंप लाइट वगैरह भी ज़रूर लगाएँ ताकि कोई आदमी उसके अंदर गिर ना पाए, ये बहुत ज़रूरी है ना। उसके बाद जब हम बैरिगेशन करेंगे तो वो भी एक सही तरीके से करना है, एक तो वाइट रेड जो कॉशन टेप होता है उससे करना है जो अपने आप ग्लो होता है, और अगर गड्ढा 1 मीटर ज़्यादा है तो 1 मीटर जो है उसका जो है बियॉन्ड 1 मीटर तो ज़रूर करें, है ना, दूरी रखें। जनरली 1 पॉइंट सॉफ्ट बैरिगेशन का स्टैंडर्ड है 1.8 मीटर जो है अवे फ्रॉम द एज होता है, तो अगर 1 मीटर डेप्थ है तो 1 मीटर दूर पर ही करें उसका जो बैरिगेशन होता है। उसके बाद जो है आने जाने का रास्ता ज़रूर क्लियर रखें, 10 मीटर एक जो 2 सीढ़ी के बीच की जो दूरी होनी चाहिए मैक्सिमम जो है 10 मीटर होनी चाहिए, अगर गड्ढा बहुत ज़्यादा दूरी है तो 10-10 मीटर पे आप बना सकते हैं बहुत सारी सीढ़ियाँ, तो एक मतलब 2 सीढ़ी के बीच की दूरी 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस तरह से है। और उसके बाद जो है जनरली आप सेफ एंगल ऑफ रिपोज 45 डिग्री जो है सोरिंग या स्लोपिंग के लिए रखें ज़्यादा अच्छा रहता है, तो 45 डिग्री एंगल रहने से मिट्टी जो है जल्दी गिरता नहीं है। उसके बाद जो है अगर हम 0.5 मीटर विथ बेंच एट एवरी 1.5 मीटर डीप एक्सकेवेशन ट्रेंच, अगर इस तरह का ट्रेंच हम बना रहे हैं देख रहे हैं आप, तो ये 0.5 मीटर जो है एवरी अगर 1.5 मीटर का अगर हाइट हो रहा है तो 0.5 मीटर का बेंच जरूर बना ले, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। उसके बाद अगर मान लेते हैं डंप एक्सकेवेटर जो अर्थ होता है जो हम मिट्टी निकालते हैं गड्ढे में से, उसको हम लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी पर रखें ताकि वो मिट्टी फिर से इसमें या उसके ऊपर लोड ना पड़े और फिर ये मिट्टी कोलैप्स ना हो, तो ये भी एक अच्छा रूल्स है जो कि फॉलो करें तो काफ़ी एक्सीडेंट कम होता है। और अगर गाड़ी की बात हो, जैसा कि मिट्टी तो 1 मीटर दूरी पर रखना है, अगर गाड़ी की बात हो तो 2 मीटर दूरी मिनिमम गैप मेंटेन करें ताकि जो है वो उसके ऊपर गिर ना पाए, क्योंकि ये सब डेंजर जोन है, यहाँ पे आने से क्या होता है कि वो ये कोलैप्स होने का चांस रहेगा, जबकि अगर दूर रहेगा तो उसके ऊपर लोड नहीं आएगा। उसी प्रकार अगर बारिश हो तो आप जानते ही हैं बारिश में अंडरकटिंग स्टार्ट हो जाता है, मिट्टी का जो नीचे का हिस्सा है वो नीचे गिरने लगता है और कभी भी कोलैप्स होने का चांस होता है, तो बारिश के समय में काम गड्ढे में नहीं करें ज़्यादा अच्छा होता है। और उसके बाद जो है कभी भी हमको अंडर कटिंग नहीं करना है, अंडर कटिंग कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये मिट्टी है और इसको काटा जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर का मिट्टी न हटा के नीचे का मिट्टी हटाया जा रहा है, तो ये कभी भी ऐसा गिर सकता है, तो कभी भी अगर काटना है ना तो ऊपर से ऐसा काटिए, ऊपर से नीचे तक, तो ऊपर से नीचे काटना चाहिए, अगर यहाँ से काट रहे हैं तो ऊपर से नीचे तक, कभी भी नीचे से स्टार्ट नहीं करें नहीं तो ये मिट्टी ऊपर से नीचे गिर सकता है, तो ये एक तरीका है, सही तरीका है। जबकि टनल वगैरह में क्या है ना हम लोग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ गिरने का चांस नहीं रहता है। उसके बाद जो है ये 10th नंबर रूल हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो भी अगर गड्ढा खोदने वाली जो मशीनें हैं एक्सकेवेटर जो इसको बोलते हैं, तो इन सब चीज़ों को जब हम काम में नहीं हो अगर हम पार्क कर रहे हैं तो एकदम स्टेबल जगह पे पार्क करें और एकदम अच्छे ग्राउंड हो लेवल हो और साथ में इसका जो बकेट है वो भी स्टेबल नीचे आ गया हो ताकि ये पलटे नहीं कहीं गिरे नहीं, तो और इसके व्हील को भी यहाँ पे लगा दे कुछ चौक कर दे ताकि ये आगे पीछे ना हो, तो ये एक सेफ तरीका है काम करने का। तो आई होप जो है आपको ये एक्सकवेशन का वीडियो पसंद आया होगा और मैंने सारे चीज़ कवर किया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उनका भी नॉलेज बढ़े, और कमेंट तो ज़रूर करिए जिससे हमें पता चले कि आपको कैसा लगा, और कुछ भी कमी हो वो भी बताइए ताकि आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्प्रूव किया जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।